लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। कुल्ही में विधि विधान से 131 नौदत्ती जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ संपन्न। महाराजगंज कुल्ही बाजार के एक मैरिज हाउस में 131 नौदत्ती जोड़ों का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिनमें मुख्य अतिथि विधायक फरेंदा बजरंग बहादुर सिंह रहे। साथ ही कार्यक्रम के डीएम उज्जवल कुमार व एसपी प्रदीप गुप्ता सहित जिले के अधिकारी व भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 131 जोड़ों में 83 हिंदू जोड़े, 19 मुस्लिम जोड़े, 29 बौद्ध जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। प्रति नौदंपती जोड़ों को सरकार की तरफ से 51,000 रुपये का खर्चा किया गया। नौदंपती को सम्मान में प्रेशर कुकर, बाल्टी, बक्सा, गिलास, ताबा, थाली, लोटा, बिछिया, पायल, पैंट शर्ट, गमछा आदि सामान दिए गए। समारोह में भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही। किस प्रकार का कार्यक्रम है, इस पर क्या आपने? आज कुल्ही में माननीय विधायक जी के प्रेजेंस में हमारे यहाँ 129 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। 131 जोड़े बताया जा रहे हैं, इसमें 3 धर्म के लोग थे, इस्लाम धर्म के, बौद्ध धर्म के और हिंदू धर्म के, उनके शादी वहाँ संपन्न हुई है। और सरकार की योजना है कि जितने ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास पहुँचे, उनकी शादी सामूहिक विवाह में। इस कार्यक्रम के माध्यम से सर अन्य ऐसे परिवारों को क्या संदेश देते हैं? इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश यही है कि अगर नवविवाहित दंपति अगर चाहते हैं कि हम लोग शादी करनी है, तो इसमें पैसे की कमी करने की आड़े नहीं आती है। सरकार इसमें अनुदान भी देती है और शादियां भी हम लोग एक अच्छे कार्यक्रम को करके एक अच्छे विदेश में कराते हैं। सर, क्या इस प्रकार का कार्यक्रम जिले में और कहीं भी रखा गया है? हाँ, इसके अलावा हम और भी आगे आने वाले करेंगे, सदर में भी करेंगे और अन्य धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री और समाहित विवाह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, विधायक जी इसको लेकर के आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं और इस जोड़े को आप किस तरह की बधाई देना चाहते हैं? देखिए, जब उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उत्तर प्रदेश के सप्तपेशवी मुख्यमंत्री, कर्मठ एवं कर्मशील मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चलाई, जिसपे भारी भरकम बजट की व्यवस्था सुनिश्चित किया और पूरे प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों का भला हो रहा है। हमारे महाराजगंज जनपद में अब तक लगभग 400 से अधिक बच्चे और बच्चियों की शादी सामूहिक विवाह योजना में हो चुकी है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मेरे विधानसभा में 131 जोड़ों की शादी हुई है और हम सब लोग पूरी ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए लगातार संकल्पित हैं। पूरा जिला महकमा आज यहाँ उपस्थित था और पूरे भारी भरकम तरीके से आज 131 जोड़ों की शादी संपन्न हुई है। मैंने उनको शुभकामना दिया है, आशीष दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई दी।